नमस्कार, मैं दीपाली आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ। और देखते हैं आज का दिन यानी कि 8 जून 2020 कैसा जाने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूँ तो आज के दिन पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करना ज़्यादा बढ़िया है। चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, फिनेंसेस में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। आज के दिन नेगेटिविटी को पीछे छोड़ देने में कोई बुराई नहीं है। प्रोफेशनली आपके लिए चीज़ें बेहतर हो रही हैं, जिसके कुछ कुछ संकेत आज से आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। हालांकि अगर आप आज के दिन की अपनी व्यस्तता देखेंगे तो आप ज़रूरत से ज़्यादा बिजी हो सकते हैं, लेकिन ये संकेत कहीं ना कहीं से आपके लिए शुभ संकेत भी आ रहे हैं। यानी कि अगर आपने काम में बिजी रहने के साथ साथ कहीं कुछ और एडेड सर्टिफिकेशन करना है, या अगर आपको कहीं दूसरे जॉब में अप्लाई करना है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपको अपॉर्चुनिटीज़ अवसर दिखाई देने लगेंगे। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूँ तो फैमिली को प्रायोरिटी बेसिस पे आज के दिन उनके साथ खड़े रहने की या समय बिताने की सख्त ज़रूरत है। आज के दिन थोड़ा सा तो आपके रेस्टलेसनेस या आपके तनाव में कमी तो आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं वर्क प्रेशर को भी आप स्ट्रीमलाइनिंग कर पाए हैं, इसी की वजह से आपका स्ट्रेस थोड़ा सा कंट्रोल में आया है, लेकिन फिर भी अभी कमी है। इसके लिए आपको अपने परिवार के साथ समय बिताने की सख्त ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अब आपको जैसे ही थोड़ा सा आपके स्ट्रेस लेवल में कमी आई है, अब आप परिवार के साथ एंगेज रहेंगे तो आपकी नेगेटिविटी अपने आप दूर होती हुई नज़र आएगी। इसके साथ आज के दिन ओवर इंडल्जेंस नहीं करना है, सिगरेट या शराब का ज़रूरत से ज़्यादा सेवन नहीं करना है। आपको अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए अगर लगता है कि ये चीज़ से मेरा स्ट्रेस दूर होगा तो आपको मैं बता दूं 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ये परिस्थिति वापस लौट के आ सकती है, क्योंकि आप अपनी स्ट्रेस के कारण कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण निर्देशों को इग्नोर भी आज के दिन कर सकते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाना, थोड़ा सा अपने टैलेंट्स पे वर्क कर लेना आज के दिन आपकी स्पिरिट्स को तो रिलैक्स करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपको आगे आने वाले चैलेंजिंग टाइम्स के लिए प्रिपेयर भी करेगा। कार्यक्षेत्र में अचानक से कोई सिचुएशंस आ सकती हैं, चैलेंजेस बढ़ सकते हैं, कुछ ना कुछ नया आपको काम मिल सकता है जो अचानक से आपको वर्क प्रेशर में डाल सकता है। जहां तक आपके परिवार का सवाल है, परिवार के साथ तो आप समय बिता रहे हैं और परिवार के साथ बिताया गया समय आपको कुछ ना कुछ एक स्ट्रेंथ दे रहा है, मोटिवेट कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो रुक सकते हैं, थोड़ा सा समय बीत जाए उसके बाद ही चीजों को टेकअप कर सकते हैं। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो फाइनेंसेस को कंट्रोल आपने कर लिया है, पॉजिटिविटी के साथ चीजें आपकी आगे बढ़ रही हैं। आज आप कार्य क्षेत्र में भी लाइमलाइट में हो सकते हैं, सोशली भी आपको कहीं ना कहीं से कुछ रिकग्निशन मिलने के या टेंशन मिलने के पूरे पूरे आसार हैं। परिवार के साथ रिलैक्स रहिए, परिवार को टेंशन अपनी तरफ से मत दीजिए। हालांकि कुछ कुछ चीज़ों में आप ही का चिड़चिड़ापन बरकरार रहेगा तो वहां पर आज के दिन कंट्रोल करने की सख्त ज़रूरत है। खास तौर पे फाइनेंसेस को लेकर परिवार के जनों के बीच में मतभेद अगर हो रहा है तो उसमें बीच में ना कूदें जब तक कि आपको दोनों पक्ष के फैक्ट्स ना पता हूँ। इससे आप तो हर्ट होंगे ही होंगे, आहत होंगे, और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है यानी कि जो कार्य क्षेत्र में आपकी अनुपस्थिति भी बढ़ जाएगी, तो वहाँ पर आपको कंट्रोल करना है क्योंकि आप जल्दी आज के दिन स्ट्रेस में आ जाएंगे। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, आज के दिन अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स पे काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। खर्चों पर लगाम लगाएं, अचानक से कोई बड़ा खर्चा आ सकता है। ऑब्स्टिकल्स आपके कार्यक्षेत्र में बढ़ सकते हैं, जो लोग आपको आपके कामों में बाधा लगा रहे थे आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर अपने ढंग से उनसे बातचीत करके उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, पर आज के दिन उम्मीद ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज पे भी आज के दिन काम करेंगे तो आपकी सिचुएशंस बेटर होती हुई नजर आएंगी।
बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। लंबे समय से अगर कोई बीमारी चल रही होगी तो वो भी आपकी कंट्रोल में आएगी। प्रोजेक्ट्स भी आपके अब आगे गति से बढ़ेंगे, जो बहुत दिनों से अगर डिले था या विराम लगा हुआ था। नौकरी की अगर आप तलाश में थे या फिर आप नौकरी चेंज करने की सोच रहे थे, वहां पर भी विस्तार होता हुआ आज आप देखेंगे। आज के दिन जो महत्वपूर्ण आपके डिसीजंस हैं फाइनेंसेस को लेकर, उनको आपको खुद ही एड्रेस करना है। लोगों के या दूसरों के भरोसे ना ही डालें तो ज्यादा बेहतर होगा। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आप कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में जा सकते हैं। आज के दिन कंफ्यूजन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन, तनाव रिलेशनशिप से संबंधित भी आपको मिल सकता है। इसलिए थोड़ा सा टाइम अपनी विचारधाराओं को सही करने का भी है, साथ ही साथ उन चीज़ों को इग्नोर करने का भी आप निर्णय कर सकते हैं जो आपका मेंटल बैलेंस खराब करते हैं। कार्यक्षेत्र में भी इसी के साथ साथ थोड़े चैलेंजेस बढ़ जाएंगे, लेकिन सेकेंड हाफ के बाद आप थोड़े से कार्य क्षेत्र में रिलैक्स हो जाएंगी, क्योंकि अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो प्रॉब्लम अराइज हुई थी इसका सल्यूशन या समाधान हम किस तरह से कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कार्य क्षेत्र में रिलीफ तो मिलता हुआ नजर आ जाएगा, लेकिन परिवार में अगर आपकी स्थिरता बिगड़ रही है, तनाव बढ़ रहा है रिश्तों में, तो आपको बातचीत करके कल परसों ही इस चीज़ को निपटाना पड़ेगा। आज के दिन अगर आप कोशिश करेंगे तो स्थिति और ख़राब हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स करें, अपने मन को शांत करें, फिर ठंडे दिमाग से जो आपके पारिवारिक इशू चल रहे हैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन फाइनेंशियली आप कोई नया डिसीजन ले सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। आज के दिन हॉस्पिटल्स का भी आपका चक्कर लग सकता है। परिस्थिति हेल्थ वाइज भी खराब हो सकती है। फाइनेंसेस पे कंट्रोल, नियंत्रण आपका बना रहेगा। जहाँ तक आपके बिजनेस या व्यापार का सवाल है, अगर एक्सपेंशन के मोड में हैं, सोच समझकर आगे चलें। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज पे अब आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। उस पे अगर आप काम करके चलते हैं, जहाँ पर आपकी रिकॉग्निशन या फिर मैं कहूँ कि एक विजिबिलिटी होती है, वो परिस्थिति आपके लिए कोई ना कोई सिचुएशंस बेटर करते हुए चलेगी। मानसिक, अगर आपको कोई ना कोई तनाव था लंबे समय से, अगर आप किसी व्यक्ति विशेष से डिस्कस कर सकते हैं तो आपको मानसिक शांति मिल जाएगी। वो व्यक्ति आपके परिवार का वृद्धतम सदस्य हो सकता है या आपकी माता या माता तुल्य कोई भी सदस्य हो सकता है। बात करते हैं धनुराशि वालों के लिए। धनुराशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपको अपनी रेस्टलेसनेस को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी आप एक्टिविटी कर सकते हैं। मेडिटेशंस, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, योगा, स्पिरिचुअलिटी के संबंध में कुछ ना कुछ प्रैक्टिस अगर आप आज के दिन शुरुआत करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तनाव तो आपके जीवन में है नहीं, लेकिन उसका जो एक आपको फील हो रहा है कि भाई सिचुएशन, परिस्थिति इतनी ख़राब भी नहीं है, लेकिन आसार आपको लग रहे हैं कि हो सकती है। कहीं ना कहीं मन में आपको बीच में नेगेटिव विचारधाराएं भी आ रही होंगी जो कि आपकी परिस्थिति या पर्सनालिटी के साथ जेल नहीं करती। यानी कि हाल फिलहाल में आपने कोई ना कोई नई इनसिक्योरिटी या फियर को डेवलप किया है, उसको मन से दूर करने की ज़रूरत है। क्योंकि जिन फैक्टर्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उनके बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, और जिनको कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप उस पर तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। आपका बौद्धिक बल, आपकी परिस्थिति आपको कहीं ना कहीं से कोई शुभ संकेत कार्य क्षेत्र में उन्नति के अगर संदर्भ में मैं बात करूं तो आज के दिन देकर जाएगी। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, हार्ड वर्क करना तो पड़ेगा ही, कठिन समय आ चुका है। परिस्थितियां आपके लिए टफ आती हुई नजर आ रही हैं। आर्थिक सिचुएशंस को कंट्रोल में करने के लिए परिश्रम ही एक तरीका है। अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी मेहनत अगर आप कर लेंगे और आपकी परिस्थितियों को आप कंट्रोल कर लेंगे बेहतरीन तरीके से, तो आज से ही आपको अपनी प्लानिंग पे आगे बढ़ना चाहिए। परिवार में भी कुछ ना कुछ स्ट्रेस आ सकता है। परिवार में किसी वृद्धतम सदस्य के स्वास्थ्य की वजह से भी आपको चिंता ज़्यादा हो सकती है, इसलिए वहाँ पर भी आपकी उपस्थिति, वहाँ पर भी आपका ध्यान और वहाँ पर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने का आपसे एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। साथ ही साथ
बिजनेस या व्यापार के अगर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले एक प्रॉपर प्लान बनाएं, रिव्यू करें और फिर आगे बढ़ें। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन आपको अपने स्पिरिचुअल एलिवेशन की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी से आपको मेंटल पीस मिलेगी। प्रोफेशनली अगर आपको लगता है कि आपके लिए टफ टाइम आ गया है, या जो आप कर रहे हैं आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, या डिलेज आ रहे हैं आपके प्रोजेक्ट्स में, नौकरी चेंज करने की सोच रहे हैं लेकिन आते हैं इंटरव्यू कॉल्स लेकिन उसके बाद कोई अता पता नहीं रहता, या फिर अगर आप नौकरी कहीं से एक्सपेक्टेशंस हैं ऑफर लेटर की वो भी डिले या ऑन होल्ड हो गया है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, काम बनता हुआ नज़र आ जाएगा आपको, परिस्थितियां आपके लिए आगे बढ़ जाएंगी। बस आपको आज के दिन अपनी अनिश्चितताओं पर काबू पाने के लिए आपको अध्यात्म का या मन को शांत करने की सख्त ज़रूरत है। कहीं ना कहीं से परिवार में ट्रैवलिंग इंडिकेटेड है, परिवार के ऑब्लिगेशंस को पूरी करने के लिए भी शॉर्ट टर्म ट्रैवल भी आपकी इंडिकेटेड है, प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ घर से बाहर निकलने की सख्त ज़रूरत है। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, परिस्थितियाँ आपके लिए बेटर हो रही हैं। पिता से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, पिताजी के स्वास्थ्य की भी आपको चिंता हो सकती है, गुस्से पे नियंत्रण रखें, वाणी को काबू में करें। बिजनेस के विस्तार की अगर सोच रहे हैं तो अभी उस पर विराम लगा दीजिए कुछ समय के लिए, लॉसेस को पहले रिकवर करने की कोशिश करिए। रेवेन्यू जनरेशन मॉडल आपका ऐसा होना चाहिए कि आपके पहले लॉसेस पे आप काम करें, और अगर विस्तार ही आपके पास एक विकल्प रह गया है, आखिरी विकल्प रह गया है, तो आपको किसी व्यक्ति विशेष की मदद की सख्त ज़रूरत रहेगी जो आपको बिजनेस में हेल्प कर सके या अपनी एक्सपर्टीज से आपके खोए हुए नुकसान की पहले पूर्ति कर सके। जब तक कि क्षतिपूर्ति नहीं होगी आप उस तरह से सक्षम नहीं बन पाएंगे कि आप आगे बढ़ें। आपको आज के दिन अपने बौद्धिक बल का परिचय देते हुए, अपनी क्षमताओं पर पूरा एक नियंत्रण रखते हुए और उन पर भरोसा करते हुए टफ टाइम को एड्रेस करना है। स्वास्थ्य के प्रति भी आज के दिन सचेत रहने की, खान पान पर विशेषता ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।